हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आमा राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना कक्षा 11वीं एवं 12वीं। इससे पहले भी हमने इस कक्षा 11वीं और 12वीं का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक पूरे 18 तक, प्रश्न क्रमांक 1 से 18 तक के उत्तर देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा, आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर आपके असाइनमेंट से संबंधित, आपके परियोजना से संबंधित या फिर आपके रेगुलर क्लासेस से संबंधित जो भी वीडियो हम अपडेट करते हैं उसकी सारी जानकारी आपको मिल सके। ओके, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पहला प्रश्न कि शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन अपने गांव या शहर में जो लागू हो उसके आधार पर आपको करना है। तो इसका उत्तर यहाँ से आप लिखेंगे, सबसे पहले आप क्रमांक डालिए, ठीक है, फिर योजना का नाम, आपके गांव या मोहल्ले में कितने लोग इससे लाभ मिला उनको, उनका नाम, उतने लोगों की संख्या लिखनी है, और योजना में या योजना से क्या परिवर्तन आया, योजना को बेहतर कार्य हेतु आपके क्या सुझाव हो सकते हैं। तो देख सकते हैं योजना का नाम आप लिखेंगे गोधन न्याय योजना। इसके बाद आपके गांव एवं मोहल्ले के कितने लोग इससे लाभान्वित हुए, तो हमारे गांव में लगभग 59 लोग इससे लाभ प्राप्त किए हैं। योजना से क्या परिवर्तन आया, गोधन न्याय योजना से हमारे गांव में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है एवं कई लोगों को रोजगार मिला है, इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें अगले कॉलम में, योजना को बेहतर कार्य हेतु आपके सुझाव। गोधन न्याय योजना को बेहतर करने हेतु शासन को गोबर से रंग बिरंगे उपयोगी सामान का निर्माण करना चाहिए एवं गोबर से बनाए गए वर्मी कंपोस्ट के उपयोग हेतु प्रेरित करना चाहिए, जिससे खेतों की उपजाऊ क्षमता ज़्यादा तेजी से बढ़ सके। तो इसे आप इधर कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा भी आप योजनाओं, अन्य योजनाओं का नाम लिख सकते हैं, जैसे नरवा घुरवा बाड़ी योजना, ठीक है, कितने लोगों को लाभ मिला वो लिख सकते हैं, रोजगार गारंटी योजना उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके गांव की जनगणना, आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्रमांक डालिए, कुल परिवार की संख्या कितनी है, आप अपने गांव के परिवारों की संख्या लिखेंगे, यहाँ आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है। फिर इसके बाद परिवार के कुल सदस्यों की संख्या डालिएगा, उनमें से कृषक परिवार की संख्या कितनी है उसको लिखना है, फिर शासकीय नौकरी करने वाले परिवारों की संख्या, फिर इसके बाद व्यवसाय करने वाले परिवार की संख्या आपको बताना है, और साथ ही अगले कॉलम में बनेगा मजदूरी करने वाले परिवारों की संख्या। तो इतना आपको ये कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न देखिए, औषधि महत्व की जड़ी बूटी एवं पत्तियों की जानकारी लिखें। तो क्रमांक लिखिए पहले, आप नाम लिख दीजिए कहाँ पाए जाते हैं और उसका उपयोग क्या है। तो नीम, ये सभी जगह पाए जाते हैं, इसका उपयोग फोड़े एवं जख्मों पर चर्म रोगों के लिए किया जाता है। तुलसी, ये भी सभी जगह पाए जाते हैं, इसका उपयोग सर्दी खांसी एवं कैंसर के इलाज में किया जाता है। दालचीनी, यह श्रीलंका एवं दक्षिण भारत में पाया जाता है, उपयोग पाचन एवं जुखाम में लाभप्रद है। अगला प्रश्न देखें, किन्हीं 10 देशों के मुद्रा का नाम लिखें। तो पहले क्रमांक लिखकर देश का नाम, मुद्रा का नाम और भारतीय मुद्रा रुपयों में मूल्य कितना होगा उसको लिखना है। देश का नाम हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की मुद्रा का नाम है यूरो और 89.15 रुपीज़, ये भारतीय मुद्रा के बदल जाएगा। ब्राज़ील, रियल,
19.17 रुपये, चीन युआन 11.40 रुपये, फ्रांस फ्रैंक मुद्रा का नाम और 80.74 रुपये, जापान एन 0.66 रुपये, अल्जीरिया दिनार 242.64 रुपये। उसके बाद यहाँ कोलंबिया पीसो यहाँ 1.53 और यहाँ पास अमेरिका डॉलर तो 73 रुपीज़ है और रूस के लिए रूबल, दक्षिण कोरिया वॉन। तो इस प्रकार से आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न। अपने आसपास की सामग्रियों से कोई पांच उपयोग वस्तुएं बनाइए। तो सबसे पहले वस्तु का नाम डाल दीजिए, फिर क्या उपयोग में आता है और प्रयुक्त सामग्री का नाम। जैसे बॉक्स, तो बॉक्स किसके काम में आता है, पेन पेंसिल रखने में। प्रयुक्त सामग्री चाय पत्ती का डिब्बा, रंगीन पेपर, फिर गुलदस्ता सजावट के काम में आता है, पेप्सी का बॉटल और थर्माकोल की सहायता से आप इसे बना सकते हैं। तत्पश्चात टोकरी सब्जियां रखने में काम आता है और बांस और रस्सी से बनाई जाती है। बोतल पौधों को लगाने में काम आता है और खाली बोतल कलर करके उसका उपयोग किया जा सकता है। डिस्पोजल कप सजावट में काम आता है, प्लास्टिक के डिस्पोजल कलर गोंद इसका उपयोग किया जाता है। अपने गांव का नक्शा बनाना है आपको, तो यहां से ये देख लीजिए, आपको जो भी नक्शा बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको दर्शाना है कि आंगनबाड़ी कहाँ है, है ना, जो मुख्य मार्ग है यानी रोड है वो कहाँ है। अगर आपके गांव के आसपास रेलवे फाटक है तो उसे भी आपको दिखा देना है, ठीक है। और साथ ही कहाँ ग्राउंड है और इसके बाद तालाब कहाँ पास है, ये सभी चीज़ें आप दिखा सकते हैं वहाँ पास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपके पास कि आपके गांव शहर के हाट या बाजार का विवरण, दिन समय स्थान प्रमुख दुकानें और उनमें बिकने वाली वस्तुएं बताइए। तो यहाँ हाट बाजार का नाम बुधवारी बाजार हो गया, दिन बुधवार, प्रत्येक दिन। अगर आपके गांव या शहर में जिस दिन बाजार लगता है उसका नाम लिखना है आपको। स्थान मनेंद्रगढ़, कितने बजे से लगता है, समय 7 बजे से, प्रातः 7 से शाम 9 बजे तक। इसमें प्रमुख दुकानें कौन कौन सी लगाई जाती हैं, कपड़ा किराना ज्वेलरी दवाई फल सब्जियां आदि की दुकानें लगाई जाती हैं। इसके अलावा स्थान गांव में भी अलग अलग दिन बाजार लगती है। तो यहां से आप इसका पूरा कॉलम आप बनाएंगे, हाट या बाजार का दिन समय, उसका हाट या बाजार में विक्रय होने वाली वस्तुएं, उनके अनुमानित मूल्य, हाट या बाजार में उपस्थित व्यापारियों की संख्या, हाट या बाजार में खरीदी करने वालों की संख्या। ओके, तो चलिए देखिए, बुधवार आपने डाल दिया, समय प्रातः शाम से रात 9 बजे तक। कपड़ा ज्वेलरी जूता चप्पल सब्जियां राशन सामग्री टीवी कूलर फ्रिज और उनके अनुमानित मूल्य क्या है। कपड़ा 1 मीटर 200 रुपये, ज्वेलरी 24 कैरेट 38,010 रुपये। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे, ठीक है। एक जोड़ी चप्पल 100 रुपये है यहाँ पास। और फिर इसके बाद हाट या बाजार में उपस्थित व्यापारियों की संख्या, तो व्यापारी लगभग 700 से 800 हैं। लॉकडाउन में दुकानें बंद, ब्लैक में मनमाना रेट यहाँ पास लोगों के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, मनमाना रेट, हर सामान के पीछे रेट को वृद्धि कर दी गई है। हाट या बाजार में खरीदी करने वालों की संख्या लगभग 1,000 से अधिक, लॉकडाउन में दुकानें बंद और ब्लैक में मनमाना रेट, ये स्टार्ट किया गया था अभी। अगला प्रश्न देखें, डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द आपको 11th 12th 9th और 10th की रेगुलर क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपके
परियोजना से संबंधित, असाइनमेंट से संबंधित, आपके कैरियर से संबंधित, ठीक है। दसवीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है और बारहवीं के बाद आपका कैरियर किस फील्ड में सबसे ज़्यादा सुनहरा और अच्छा होगा उसके लिए, तो साथ ही समय समय पर इन सभी विषयों से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, जिससे आपको ये सभी जानकारी मिलती रहे। देखिए अगला प्रश्न है कोरोना COVID-19 का विवरण, प्रमुख लक्षण लिखेंगे, बचाव के उपाय, लगाए जाने वाले टीके का नाम और प्रमुख दवाइयाँ। तो देख सकते हैं लक्षण क्या है, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन स्तर कम हो जाना, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, बचाव के उपयोग, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा का सेवन, गर्म पानी, काढ़ा का सेवन, ताज़ा भोजन, सोशल डिस्टेंस का पालन, मास्क का प्रयोग, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग घर में किया जाना है और लगाए जाने वाले टीके का नाम क्या है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगाई जानी है और स्पुतनिक, ठीक है। तो ये तीन जो आपके पास कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, ये 18 प्लस व्यक्तियों को लगाया जाना है। प्रमुख दवाइयों का नाम क्या है, रेमडेसिविर इंजेक्शन अथवा संक्रमित व्यक्ति को पैरासीटामोल, विटामिन सी आदि दिया जाता है रोगी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। अगला प्रश्न देखिए, देश की 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम एवं उनके मुख्यालयों की सूची बनाना है आपको। तो इस प्रकार से पहले आप कॉलम बना लीजिएगा, फिर बैंकों के नाम, हेडक्वार्टर, चेयरपर्सन, सीईओ, एमडी, लोगो, बैंक का लोगो कैसा है और टैगलाइन। सबसे पहले देखिए इलाहाबाद बैंक, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, चेयरपर्सन है श्री CHSS मल्लिकार्जुन राव, ठीक है। लोगो देख सकते हैं आप यहाँ से और टैगलाइन विश्वास की एक परंपरा। दूसरा है आंध्र बैंक हैदराबाद, श्री JC पैकी रिश्मी और जहाँ इंडिया बैंक है ना, ये आप इसका मोनो भी बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं आप। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ोदरा, प्रबंधक, प्रबंध निदेशक और CEO श्री PS जय कुमार, गैर कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर हसमुख अधिया, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अगले बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, इसका हेडक्वार्टर है और श्री जी पद्मनाभन इनके CEO हैं और बैंकिंग से परे संबंध, ये इसका एक प्रकार से देखें टैगलाइन है। अगला देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, इसके जो CEO हैं वो श्री AS राजीव जी हैं और इसका जो टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। अगला प्रश्न इसी का और भी आगे का देख लीजिए, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है जिसका जो आपका एक प्रकार से देखे हेडक्वार्टर मुंबई में है, कॉरपोरेशन बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक, सभी का नाम, लोगो, उनके CEO का नाम और साथ में टैगलाइन लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, रक्षा संस्थानों के नाम लिखना है आपको। पहला लिखेंगे आप यहाँ से शिक्षा संस्थान एवं मुख्यालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिभाषित शब्दावली आयोग, ये नई दिल्ली में है। दूसरा केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद लखनऊ में है।
वीडियो को पॉज करके बहुत ही अच्छी तरह से आप नोट कर लें, और आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आपको हमारे चैनल पर आपके सारे अमाराइट परियोजना के उत्तर मिल जाएंगे, और कक्षा एक से लेकर कक्षा दो से लेकर कक्षा 12 तक के जितने भी परियोजना हैं उसके सारे आंसर मिल जाएंगे। इसलिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और जो भी आपके रिलेटिव जो क्लास 2 से क्लास 12th के किसी भी क्लास में पढ़ते हों तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसको आप कंप्लीट कर लें, ये वाले आंसर को, ठीक है। भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद शिमला, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु। फिर इसके बाद देश विकास में परिवहन व्यवस्था आपको लिखना है। सबसे पहले परिवहन क्षेत्र, परिवहन के साधन देश के किसी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका, किस क्षेत्र में इसकी प्रमुख भूमिका है, तो बात करते हैं परिवहन क्षेत्र रेलवे का। परिवहन के साधन क्या हैं इसके, रेलगाड़ी हैं। और किस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो पूरे भारत के विकास में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा है वायुयान, हवाई जहाज़ परिवहन का इसका साधन है। पूरे विश्व स्तर में यह यातायात का साधन अंतर्राष्ट्रीय विकास में अहम योगदान निभा रहा है। फिर है जलमार्ग, पानी जहाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यातायात नियात के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा। थल मार्ग, बस कार ट्रक भारत के कोने कोने से हर गांव में आज इस साधनों का विकास हो रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम लिखिए और उसका उपयोग बताना है। तो सबसे पहले आता है साबुन और अपमार्जक, साफ सफाई के लिए साबुन का इस्तेमाल लगभग 2800 ईसा पूर्व का है। दूसरी सदी में यूनानी चिकित्सक गालेन ने क्षारीय घोल में से साबुन निर्माण का उल्लेख किया है। दूसरा है फोटोग्राफी, रसायन विज्ञान पर आधारित फोटोग्राफी प्रक्रिया नेगेटिव से पॉजिटिव चित्र सोडियम थायोसल्फेट से लेपित कागज। अगला है कीटाणुनाशक दवाइयाँ, डेटॉल प्रचलित कीटाणुनाशक घरों में प्रयोग, क्लोरोजाइलिनॉल, फिर लिपस्टिक, मोम तथा तारकोल से निर्मित रंग सामग्री मिश्रण में चिकनाई हेतु कोई तेल मिलाया जाता है, फिर सेविंग क्रीम और नेल पॉलिश। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी कल्पना से ऐसी कहानी बनाइए जो हाथ से बनाए चित्रों प्रिंटेड पेपर कटिंग इत्यादि का उपयोग किया गया है। तो आपको अपने से कोई भी एक चित्र बनाना है जिसके माध्यम से आप एक कहानी बता सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ जो सामने प्रदर्शित किया गया है, इस कहानी में आपको क्या बताया गया है, इसके माध्यम से आप क्या बता सकते हैं। देख सकते हैं आप कि बरसात का मानसून आ चुका है और भव्य बारिश हो रही है, और अत्यधिक बारिश होने के बाद जो गांव का तटीय इलाका है, समुद्री इलाका हो या फिर नदी के किनारे बसने वाले जो गांव हैं और झुग्गी झोपड़ियां हैं, वो पूरी तरह से पानी से लबालब भर चुकी हैं। वहां रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वो लोग अपनी घर के छतों पर, कुछ लोग ऊपर चढ़ गए हैं, और जो अत्याधुनिक या फिर अत्यावश्यक वस्तुएं हैं खाने पीने की, उसको भी उन्होंने छत के ऊपर रख दिया है। और साथ ही कुछ लोग उस इलाके को, उस जगह को छोड़कर
किसी सुरक्षित जगह पर अपने सामान और अपने बच्चे को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाने की तैयारियां कर रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इस चित्र के माध्यम से इस कहानी को आप बता सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप अपने अनुसार, अपने सोच के अनुसार कोई और चित्र बना सकते हैं, मनचाहा चित्र आकर्षक और भी सुंदर बना सकते हैं और उसके अनुसार आप कहानी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिला में संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी देवें। तो सबसे पहले क्रमांक लिखना है, फिर योजना का नाम, विभाग का नाम लिख दीजिए, कितने परिवार लोगों को या फिर कितने लोगों को इससे लाभ मिला है ना, उसको लिखना है। योजना में प्रदाय की जाने वाली सेवा सामग्री, तो सबसे पहले देखिए पढ़ाई तुहर दुआर योजना, ठीक है, जो कि ये पिछले वर्ष 2020 से प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि घर घर तक जो एजुकेशन है या फिर जो शिक्षा है वो पहुंचाई जाए। विभाग का नाम स्कूल शिक्षा लाभान्वित वर्ग छात्र छात्राएं, इससे कौन लाभ लिए, तो छात्र और छात्राएं, छत्तीसगढ़ के समस्त छात्र और छात्राएं इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसका माध्यम क्या था, ऑनलाइन क्लास। दूसरा योजना है डॉक्टर खूब चंद्र बघेल स्वास्थ्य योजना, तो विभाग का नाम स्वास्थ्य, लाभान्वित वर्ग आम जनता, और इसमें प्रयोग यानी जो की जाने वाली, जो प्रदाय की जाने वाली जो सामग्री है वो दवाई और इलाज है। फिर है मिनी माता अमृत नल योजना, इसका विभाग का नाम सिंचाई, आम जनता ग्रामीणों के लोग इससे लाभ प्राप्त किए और इसमें सामग्री है पानी, नल, जल। खाद्यान्न वितरण खाद्य विभाग, इसका लाभ आम जनता ले रही है, और चावल, नमक, चना, शक्कर, मिट्टी, तेल आदि। तो इसको आप लिखेंगे पूरा कंप्लीट। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। उसके स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के उपलक्ष्य में। तो आप अपने घर बगान या फिर आपके घर के आसपास किसी भी जगह सुरक्षित जगह पर आप एक पौधे को लगाएंगे, उसके बाद एक हफ्ते बाद उसकी ऊंचाई नोट करेंगे, उस लगाने तक आप उस समय भी प्रारंभ में भी आप उसकी ऊंचाई नोट करेंगे और लगाने के पश्चात भी एक हफ्ते बाद, और क्या अंतर आया आप उसको फाइल में लिखना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे घर में आम का 4 वृक्ष हमने लगाया यानी पौधे लगाए, प्रत्येक सप्ताह उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और काफ़ी दिनों पहले यह पेड़ यानी पौधा लगाया जा चुका है। वर्तमान में इन चारों आम के वृक्षों की ऊंचाई कितनी है, 7 फीट है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कोरोना महामारी पर 150 शब्दों में एक निबंध लिखना है। तो कोरोना महामारी पर आप यहाँ से निबंध लिख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया। यह पहली बार नवंबर 2019 में चीन में देखी गई थी। इसके बाद यह संक्रमण पूरी दुनिया में फैल गया। जनवरी 2020 में यह वायरस भारत में आया। इस वायरस के कारण न केवल लोगों की जान गई, साथ ही पूरे देश की आर्थिक स्थिति को भी बहुत नुकसान हुआ। इस प्रकार ये प्रस्तावना लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट डालेंगे आप, कोरोना वायरस बीमारी क्या है। फिर अगला पॉइंट रहेगा आपके पास कोरोना वायरस से बचाव के उपाय, फिर उसका उपसंहार। इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है,
देखिए 17वां प्रश्न है, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 50 प्रश्न बनाएं एवं साथियों के साथ मिलकर उसका उत्तर ढूंढें, इसको अब हम बताने वाले हैं। फिर 18वां प्रश्न रहेगा, आपके पास उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 सदस्यों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो चलिए अब इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान का, छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है, 26वां राज्य है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई जा रही है, तो इसलिए आप अपने पूरे फ्रेंड तक ये सभी को पहुँचाइए, क्योंकि ये जो आपका परियोजना है, प्रोजेक्ट अमराइट परियोजना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी इसका अंक जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, 28 जिला। छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग है, 5 संभाग। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे माना जाता है, महानदी को। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी कौन थे, वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सा, धान। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु वन भैंसा। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है, साल। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 2000 को। किस त्यौहार में बच्चे गेड़ी पर चढ़ते हैं, हरेली त्यौहार। गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, सर आइजक न्यूटन ने। जल का शुद्ध रूप क्या है, वर्षा का जल। पेनिसिलिन की खोज किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। टेलीफोन के आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। रक्त में क्या पाया जाता है, लौह तत्व। और सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। विद्युत धारा मापक यंत्र का नाम, अमीटर। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। नोबल गैस का नाम क्या है, हीलियम। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मुख्यतः किस रेलवे जोन में आता है, बिलासपुर जोन। छत्तीसगढ़ के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, डॉक्टर प्रेम सिंह साय। रामायण युग में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कांगेर घाटी। राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तमोर पिंगला। राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य बादल खोल। और अगला प्रश्न, राज्य का सबसे अधिक लोकप्रिय लोक नृत्य नाचा। राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी का मंदिर। राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, चांपा। राज्य का सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर मैनपाट। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस। सौर प्रणाली की खोज किसने की, कोपरनिकस। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया, केपलर। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 1। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, आंध्र प्रदेश। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है, गुजरात। अगला प्रश्न है आपके पास, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, तो ये पंजाब राज्य का ये नृत्य है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, सर जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया, ई गोल्ड स्टीन ने। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, BARC क्या है,
तो BARC का फुल फॉर्म होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये आपके सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूरे हुए। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। और डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अमाराइट परियोजना आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो नंबर है वो आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी जोड़े जाएंगे, ठीक है। और तो इसको आप अच्छी तरह से बनाइए, अच्छे अंक लाइए, इसमें अच्छे नंबर लाइए, जिससे कि आपका परसेंटेज अच्छा बन सके। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके पास, उक्त गतिविधियों को पूर्ण करके अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे, पहले नंबर पर माता पिता की प्रतिक्रिया। माता पिता की प्रतिक्रिया क्या होगी? प्यारे बच्चों, आपको इस अमाराइट परियोजना के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई, ये सभी जानकारियाँ आपके भविष्य में काम आए, और इस संकट के समय आप सभी कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई करें और एक अच्छा इंसान बने। अब इसके बाद आपके भाई और जो बड़े भैया और दीदी हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो इस रूप से हो सकती है। ये आपको यहाँ उदाहरण के लिए बताया जा रहा है। यदि आप चाहें तो आप अपने घर के सदस्यों से पूछकर उनकी जो भी प्रतिक्रिया है आपके इस अमाराइट परियोजना के प्रति, तो वह आपको लिखना है और लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रिय छोटे भाई एवं बहन, आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अच्छा मेहनत किया और अच्छी तरह लिखा है। कोशिश करो और अपनी पाठ्य पुस्तकों से भी ज्ञान में वृद्धि करो। हमारा आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम अपने चैनल पर क्लास 11th और 12th की क्लासेस, रेगुलर क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ ही आपको हमारे चैनल पर आपके एजुकेशन से संबंधित, कैरियर से संबंधित मिलती रहेगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक सूचना और है कि आपको यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहां सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, PDF भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए।